सेंटेंस, एक होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कथन, और एक होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, अब पहले अपन इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये डायरेक्ट सेंटेंस प्रत्यक्ष कथन क्या होता है और इनडायरेक्ट सेंटेंस अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि मैंने आपको जो बात सीधी कही है वो होता है डायरेक्ट। जैसे मैंने कहा कि मैं कल जोधपुर जा रहा हूँ, ये मैंने आपको सीधी बात कह दी है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, मैंने कहा आपने सुना, ये हो गया प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होगा? मैंने आपको कही, आप किसी और को जाकर कहोगे। जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति बी नाम के किसी व्यक्ति को कोई बात कहता है, ए ने किसको कही है? बी को, तो ये कैसा हो गया? डायरेक्ट कही है। अब बी जाके सी को कहेगा कोई बात, लेकिन बात किसकी कहेगा? ए की कहेगा, तो वो कैसा वाक्य हो जाएगा? इनडायरेक्ट सेंटेंस। यानी प्रत्यक्ष सीधी बात कहता है तो डायरेक्ट, और तीसरा व्यक्ति कोई दूसरे तीसरे की बात कहता है तो क्या हो जाएगा वो सेंटेंस? इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा। इनके शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान रखने हैं, डीएस, और इसको अपन आगे आईएस के रूप में लेकर चलेंगे। तो डायरेक्ट सेंटेंस प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट सेंटेंस अप्रत्यक्ष कथन। अब मैं जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से अपन कैसे होता है वो एक वाक्य लिखते हैं, ही सेड टू मी आई एम बिजी। जैसे एक ये डायरेक्ट सेंटेंस है, अब कैसे पहचानेंगे, पहचान वगैरह वो अपन आगे देखेंगे। जस्ट एक ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इस डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन पार्ट टू। ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में एक दूसरा वाक्य होता है, एक सेंटेंस कॉमा के बाहर होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य होता है उसको अपन क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, आरवी। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच, आरएस। आरवी का सेंटेंस होगा ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होगा वो किसका सेंटेंस होगा? आरएस का होगा। आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, मेन चीज़ ये ध्यान रखना है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब है आरवी, और ये इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इसका सब्जेक्ट है आरएस का, ये इसकी वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आगे पूरी तरह से काम आने वाला स्ट्रक्चर है। ये सेंटेंस सबसे पहले क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये आरवी के होंगे या आरएस के, क्योंकि आगे जब चलेंगे तो अपन यही चलेगा कि आरवी आरएस के सब्जेक्ट को आरवी के सब्जेक्ट से बना देंगे, फर्स्ट पर्सन को इसके अकॉर्डिंग, वो चीज़ है। तो अब जो पहली चीज़ तो ये कम्प्लीटली हो गई अपने कि किस प्रकार से ये काम करते हैं, क्या क्या होती है, आरवी क्या होता है, आरएस क्या होता है, डीएस क्या होता है, आईएस क्या होता है, ये चीज़ अपने माइंड में पहले आ जानी चाहिए। अब जब ये डायरेक्ट सेंटेंस है, प्रत्यक्ष कथन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यानी डायरेक्ट मुझसे कहा कि आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। अब जब अपन इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कनेक्टिव का प्रयोग भी करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी हटाएंगे। अब जैसे ये डायरेक्ट सेंटेंस है डीएस का, इसको आईएस में बनाते समय अपन को पहले करना क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों को चेंज करना होता है, सिर्फ वो यहाँ देखेंगे, फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहले जो सबसे पहले चेंजेज होता है वो आरवी में चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, पास्ट का है तो पास्ट के हिसाब से, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के हिसाब से। पहली चीज़ जो चेंज होगा आरवी,
दूसरा जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद आरएस का जो सब्जेक्ट होगा उस आरएस के सब्जेक्ट को आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होगा। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट से हो जाएगा, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट से होगा, और अगर थर्ड पर्सन या उसकी फैमिली होगी तो किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं करेंगे। ओके, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, और लास्ट में वापस फुल स्टॉप कनेक्टिव का प्रयोग करते हुए। तो ये मेनली कुछ चेंजेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज ऑफ सेंटेंसेज। अब किन किन प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उन सेंटेंसेज को परिवर्तित किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला सेंटेंस होता है अजेरेटिव सेंटेंस, अजेरेटिव सेंटेंस। नंबर टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, अजेरेटिव इंट्रोगेटिव। नंबर थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर फोर ऑप्टेटिव सेंटेंस, और नंबर फाइव होता है एक्सक्लेमेटरी या मैट्रिव सेंटेंस। ये पांच प्रकार के वाक्य होते हैं, अजेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब अजेरेटिव किसको कहते हैं, इसमें जो सकारात्मक या नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य, यानी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा, साधारण वाक्य होगा। साधारण वाक्य आपको पॉजिटिव भी दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने कह दिया आई एम बिजी, आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम टीचिंग, आई एम लर्निंग ETC। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं, जिनको अपन एक शब्द में हकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें सिंपल भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। दूसरे जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से भी शुरू हो सकते हैं। इसके बारे में डीपली अपन अध्ययन करेंगे पूरा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में जब चलेंगे। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक मतलब जिसमें आपसे रिक्वेस्ट भी की जा सकती है, आपको ऑर्डर भी दिया जा सकता है, आपको सलाह भी दी जा सकती है, वो सब चीज़ें आपके आज्ञावाचक वाक्य में होती हैं। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव अपन कहेंगे इच्छा बोधक वाक्य या इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य, वो ऑप्टेटिव होती है जिसमें आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विश शुभकामनाएं दे सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेज जो होते हैं वो किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। और फाइनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य, यानी इसमें आपको जस्ट ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कोई आश्चर्य के साथ कोई काम होता है। जैसे आप चल रहे हैं, आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभते ही अपने मुंह से सबसे पहले क्या निकलेगा, क्या शब्द निकलता है, कांटा चुभते ही क्या शब्द निकलता है मुंह से, आ। तो ये आ वर्ड क्या है, ये आ वर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या अपन जब बहुत ज़्यादा खुशी में होते हैं तो क्या कहते हैं, ओ, ये ओ है, या हुर्रा है, या अलास है, ये सब शब्द जो होते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होते हैं, विस्मय प्रकट करने वाले होते हैं। इनको करने के लिए अपन को किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप मुँह से निकल जाते हैं। जैसे सिर पर पत्थर गिरा, पत्थर गिरते ही मुँह से आवाज़ निकलेगी, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या बोलना है मुझे। तो वो सब शब्द कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है, तो ये पांच प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं, इन पांच प्रकार के वाक्यों का हम
स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले अपन जिस वाक्य की शुरुआत करेंगे वो है अपना असरेटिव सेंटेंस। इसको अलग अलग दो तीन पार्ट में बनाया जाएगा, आप आसानी से कंटिन्यूस चलते हुए इनको पढ़ना है। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें असरेटिव सेंटेंस की, असरेटिव का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें तो हकारात्मक वाक्य, जिसमें सकारात्मक वाक्य भी होंगे, जिसमें नकारात्मक वाक्य भी होंगे। सेंटेंस में किस प्रकार के वाक्य होते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब सबसे पहले आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए कि कैसे सेंटेंस असरेटिव सेंटेंस होंगे, कैसे कैसे अपन चेंज करेंगे, वो सब पहले पता होना चाहिए। तो अभी जस्ट अपन ने पढ़ाया था एक भाग आरवी का होता है, एक भाग आरएस का होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य होता है आरएस के वाक्य की शुरुआत, आरएस के वाक्य की शुरुआत पर्सन या किसी सब्जेक्ट से होगी, प्रोनाउन से होंगी, या तो कोई पर्सन होगा या कोई प्रोनाउन होगा जो एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जैसे आरएस जो इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य होगा, वो इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य की शुरुआत अगर आई वी यू दे ही सी या किसी व्यक्ति के नाम से हो तो अपन को पहचानना है कि यह वाक्य कैसा है, असरेटिव सेंटेंस है। जैसे अभी अपन ने देखा था आई एम बी जी आई से शुरू हो रहा था, इसका मतलब वो वाक्य कैसा है, असरेटिव सेंटेंस है। तो पहली चीज सेंटेंस को हमने पहचान लिया कि असरेटिव सेंटेंस है। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, अब कुछ चेंजेस से संबंधित रूल्स हैं। जैसे रूल नंबर एक, डी एस से आई एस बनाते समय आर वी में परिवर्तन, डी एस से आई एस बनाते समय आर वी में परिवर्तन। आर वी मतलब इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस का तो मैटर हो गया, अगर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो वो असरेटिव सेंटेंस है। अब डी एस से आई एस बनाते समय पहला जो चेंज अपन करेंगे वो आर वी में परिवर्तन करेंगे, आर वी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे, जो से सेज सेड वाली थी। तो एक तरफ डी एस, एक तरफ आई एस। अगर आपको डी एस के अंदर से मिलता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस से को चेंज किस में करेंगे, अपन टेल में करेंगे। अगर आपको सेज मिलता है तो उसको चेंज करेंगे अपन टेल्स में, से मिलता है तो टेल में करेंगे, सेज मिलता है तो टेल्स में करेंगे। और अगर आपको सैड मिलता है तो उस सैड को किस में चेंज करेंगे, टॉल्ड में। तो पहला नियम, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, अगर ऐसे दिया हुआ है ही सेज टू मी, तो अब चेंज करेंगे तब पहली चीज़ क्या करेंगे, ही टेल्स मी, इस टू को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये सेज आया, पहला चेंज आपको यही करना है, इस सेज को किस में बदल देंगे अपन, टेल्स में बदल देंगे। ओके, अगर यहाँ से होता तो टेल कर देते, अगर यहाँ सेड होता तो यहाँ पे क्या कर देते, टॉल्ड कर देते। पहला नियम। रूल नंबर सेकंड में अपन क्या करेंगे, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव, कनेक्टिव के रूप में अपन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। पहला नियम ये हो गया। दूसरे नियम में अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिए हुए होते हैं उन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल। जैसे ही सेज टू मी आई एम बी जी,
जैसे ये सेंटेंस था, तो अपन ने क्या किया था, ही सेज को पहले नियम के अकॉर्डिंग किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में कर देंगे, ओके। उसके बाद मी कनेक्टिव के रूप में, अब यहाँ पर इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर अपन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट में अपन रूल्स में देखेंगे। तो दो चीज़ चेंजेस ध्यान रखना है, आर वी को और कनेक्टिव को। अब जो तीसरे चेंजेज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। आपके किससे संबंधित होंगे, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। सबसे पहले प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन करने के लिए आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी में तीन पर्सन होते हैं, जिसे एक जस्ट एक छोटी सी सारणी के माध्यम से कोशिश करेंगे अपन पढ़ने की इसको। जैसे सबसे पहला आ गया आपके पर्सन, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव केस, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद आपको लगाना है पजेसिव, उसके बाद वोकेटिव और रिफ्लेक्सिव। इसमें अपन इस सारणी को डिवाइड कर देंगे। अब सबसे पहले पर्सन की बात करें तो एक फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट काम में आते हैं, पहला सब्जेक्ट होता है आई, दूसरा सब्जेक्ट होता है वी। तो ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। अब अगर अपन सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में कौन आता है अपने, यू। और उसके बाद अपन अगर बात करें थर्ड पर्सन की तो थर्ड पर्सन में एक ही होता है, एक सी होता है, एक इट होता है और एक होता है अपने दे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस सारणी के माध्यम से अपन जो भी प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन होंगे वो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन अपन करेंगे। अब आई होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। पजेसिव क्या होता है इसका, माई, आई मी माई। वोकेटिव होता है इसका, माइन। और रिफ्लेक्सिव में अपन क्या करेंगे, माई सेल्फ। ये पूरी आई की फैमिली हो गई, आई मी माई माइन और माई सेल्फ। उसी प्रकार वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, पजेसिव हो जाएगा अवर, यहाँ पर अपन वकेटिव में कर देंगे अवर्स और यहाँ पर क्या कर देंगे, अवर सेल्स। प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन। एक चीज़ ये भी, आई का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, वी होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब यू की बात करें तो यू का ऑब्जेक्ट कौन होता है, यू ही होता है। इसमें पजेसिव में क्या हो जाएगा, योर, वोकेटिव में हो जाएगा योर्स और यहाँ पर योर सेल्फ या योर सेल्फ्स दोनों काम में लिए जाते हैं। ही की बात करें तो ही का हिम, पजेसिव हो जाएगा हिज, हिज और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हिमसेल्फ। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, पजेसिव भी हर, वोकेटिव में हर्स और यहाँ पर अपन कर देंगे हर सेल्फ। इट का इट, इट इट्स, इट सेल्फ। और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, पजेसिव होता है देयर, वोकेटिव होता है देयर्स और रिफ्लेक्सिव में क्या कर देंगे, देम सेल्फ। तो ये प्रोनाउन संबंधित कुछ परिवर्तन होंगे। कैसे होंगे वो अपन अभी देखेंगे। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में आते हैं अपने ही सी इट या जो भी आता है दे। अब इसमें अगर अपन बात करें रूल नंबर एक की, ये चेंजेज कैसे होंगे उसकी बात करें,
अगर आपको आर एस के वाक्य में, आर एस कौन सा वाक्य था, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य, अगर उस इन्वर्टेड कॉमा वाले आर एस में फर्स्ट पर्सन आई या वी या उनकी फैमिली, यदि आर एस में, आर एस मतलब इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य, अगर उसमें आपको आई या वी, ये आई और वी, या उसका पूरा परिवार दिया हुआ मिले आपको, आई मी माई माइन माई सेल्फ वी अस अवर अवर्स अवर सेल्फ, तो आई एस बनाते समय, आई एस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। यदि आपको आर एस में फर्स्ट पर्सन या उसकी फैमिली दी हुई है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आर वी का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार परिवर्तन करेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी आई एम गोइंग होम, जैसे यह सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, आई एम गोइंग, और थोड़ा करते हैं टू माई होम, एक सेंटेंस का एक भाग ये है एक भाग ये है, ये भाग कहलाता है आर वी, ये भाग कहलाता है आर एस, बीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दी हुई है। तो अब यहां पर देखिए आर एस के वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट या पर्सन आई से हो रही है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, एडजेक्टिव है। अब पहले चेंज ही सैड टू को चेंज किसमें करेंगे, पहला नियम अपन ने पढ़ा था, तो सैड टू को अपन चेंज करेंगे टॉल्ड में, फिर मी का वापस आपको मी लिखना है, हे टॉल्ड मी। दूसरा नियम पढ़ा अपन ने, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उनके स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या अब यहाँ से है, फर्स्ट पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और अपन जो रूल पढ़ रहे हैं उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से चेंज करते हैं, आर वी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, आर वी का सब्जेक्ट है ही, आई जाएगा ही के पास। अब देखिए आई वाली लाइन में ही का क्या आ रहा है, ही आ रहा है, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। जैसे आई यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, मेनली यहाँ पर जो चीज़ होती है वो आपको यहाँ पर लानी है, जैसे आई है सब्जेक्ट है, आई जाएगा चेंज होने के लिए ही के पास, तो ही का सब्जेक्ट भी ही होता है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, ही लगा देंगे। इज आर एम चेंज हो जाएगा इज में, इज आर एम को अपन को चेंज किस में करना है, वाज वर में, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वाज, गोइंग का गोइंग टू, ये टेंस संबंधित अगला नियम है, आगे पढ़ेंगे कैसे वाज हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये माई लिखा हुआ है, अपना नियम ये कहता है कि फर्स्ट पर्सन की पूरी फैमिली को चेंज किया जाता है, अब माई भी फर्स्ट पर्सन का है, इसीलिए ये भी चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा, ही के पास जाएगा। अब ये माई किसकी फैमिली का है, आई की फैमिली का है माई, ठीक है, चेंज होने के लिए जाएगा ही के पास, तो जो आई का माई हुआ है वो ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हिज होम, ठीक है। नियम ये ध्यान रखना है कि जिस रूप में वहाँ पूछा जाता है वापस इसी का वो रूप आना चाहिए, जैसे वहाँ आई का माई आया हुआ है, आई वाले में माई है, तो ही वाले में भी क्या आना चाहिए, माई के नीचे वाली चीज़ आनी चाहिए, ही जाएगा, ओके। अगर वहाँ पे माई सेल्फ होता तो अपन क्या लिख देते, यहाँ पे हिम सेल्फ लिख देते, ओके। तो पहला चीज़ तो ये, अगर फर्स्ट पर्सन या उसकी फैमिली हो तो सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा नियम है कि अगर सेकंड पर्सन हो
यदि आपको आर एस के सेकेंड आर एस के वाक्य में सेकेंड पर्सन यानी ये यू दिया हुआ हो यू, तो क्या करना है, इसको चेंज करेंगे अपन आर वे के ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया, ही के हिसाब से। अब अगर यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, यू दिया हुआ है, तो उसको चेंज किसके हिसाब से करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे एक सेंटेंस है, सी सेड टू मी यू कंप्लीट योर वर्क। जैसे ये सेंटेंस आया, सी सेड टू मी यू कंप्लीट योर वर्क, ये आर वी का है, ये आर एस का सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में। चेंज करने के लिए सबसे पहले सी का सी करेंगे, सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टॉल्ड में, मी सी टॉल्ड मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग कर देंगे अपन, दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये यू आ गया अपने सेकेंड पर्सन यू है, तो इस यू को चेंज किससे करना है अपन को, इस डी एस के आर वी के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से। तो यू सब्जेक्ट है, चेंज होने के लिए पास जाएगा किसके पास, मी के पास। तो अब यू सब्जेक्ट है तो मी को भी क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। जैसे ये यू है, अब ये मी है, तो यू वाला शब्द चाहिए अपन को, मी वाला नहीं चाहिए, तो यू वाला शब्द कौन सा मिलेगा, आई मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। और कंप्लीट वे फर्स्ट है तो वी टू हो जाएगी कंप्लीटेड। अब ये योर आ रहा है, फिर योर फिर मी के पास जाएगा। अब देखो ये योर आ गया यू वाली लाइन में, तो आई वाली लाइन में क्या आ रहा है, यहाँ पे माई आ रहा है। तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, आई कंप्लीटेड माई वर्क। ये इस प्रकार से अगर सेकेंड पर्सन यू या उसके फैमिली दी हुई हो तो ऐसे चेंज करना है। और इसका एक फाइनल रूल है, यदि आपको थर्ड पर्सन या उसकी फैमिली दी हुई है, तो इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, उस सब्जेक्ट को वही रखना है आपको। जैसे एक सेंटेंस समझेंगे अपन, सी सेड टू मी ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो सी सेड टू को कुछ नहीं करना है, टॉल्ड में चेंज कर देते हैं, मी हो जाएगा कनेक्टिव के रूप में दैट। अब ये ही थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट से चेंज कर देते, सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट से चेंज करते। अब अगर थर्ड पर्सन ही है तो थर्ड पर्सन को आपको किसी भी प्रकार से चेंज नहीं करना है, ही का ही। और इज आर एम को कर देंगे वाज में। अब माई आ गया फर्स्ट पर्सन का, तो ये तो चेंज होगा, माई जाएगा चेंज होने के लिए सी के पास, माई किसके पास आएगा, सी के पास। जैसे आई वाले का माई बना तो सी वाले का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी ही वाज हर बेस्ट फ्रेंड। तो ये प्रोनाउन संबंधित चेंजेज होते हैं। सीधा माइंड में एक ही चीज रखनी है कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन को आपको आर वी के सब्जेक्ट से, अगर सेकेंड पर्सन है तो आर वी के ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन है तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसका एक सिंपल रूल है, एस ओ एन, वन टू थ्री, यानी फर्स्ट पर्सन हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन हो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, ये प्रोनाउन संबंधित है। इसके आगे जो नेक्स्ट है टेंस संबंधित परिवर्तन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।